और इसका लेवल भी हम कन्वर्सेशनल एडवांस कर देंगे और सेव कर देंगे। उसके बाद हमारे पास स्किल्स आ जाएंगे, स्किल्स हम ऐड करेंगे। जो जो मैंने जैसे आपको लास्ट टाइम बताया था कि जो जो आपके स्किल्स होंगे वो आप सारे यहाँ पे ऐड कर देंगे, और उनका लेवल यहाँ पे वही सेम तीन लेवल है। आप जो आप अपना लेवल समझते हैं कि इसमें जो आपका लेवल है वो सिलेक्ट करके सेव कर लेंगे। लास्ट हमारे पास आ जाएगा एकेडमिक्स। यहाँ पे आपका जो एजुकेशन लेवल है ये भी आप ऐड कर देंगे। ये मैं स्टार्टिंग में आपको बताना भूल गया, और सिर्फ चार सेक्शन गिने, ये ऐड करना भी काफ़ी ज़रूरी है। यहाँ पे आपकी जो एजुकेशन का लेवल होगा वो आप सारे एजुकेशन लेवल्स अपने ऐड कर देंगे। मैं जल्दी से अपना एक एजुकेशन लेवल ऐड कर दूंगा और फिर हम कंटिन्यू करेंगे। ये मैंने डेमो इन्फॉर्मेशन क्रिएट कर दी है। आप यहाँ पे अपनी सही इन्फॉर्मेशन एंटर करेंगे और उसके बाद सेव पे क्लिक कर देंगे। तो हमने यहाँ पे क्या किया, हम जॉब सीकर में आए थे और रिज्यूम में आए थे। यहाँ पे हमने सबसे पहले अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन दी थी, उसके बाद एकेडमिक्स में जो हमारा एजुकेशन्स के जो लेवल थे वो सारे ऐड किए यहाँ पे। उसके बाद एक्सपीरियंस में जहाँ जहाँ पे हमने अभी काम किया, और अगर हमने अभी कहीं पे काम नहीं किया तो हमने फाइवर को एज अ शील्ड यूज़ करके वो ऐड कर लिया। उसके बाद हमने प्रोजेक्ट्स को ऐड किया जितने हमारे प्रोजेक्ट्स थे। उसके बाद लैंग्वेजेस को, जो जो हमें लैंग्वेज आती थी वो ऐड कर लिया, और लास्ट में हमने स्किल्स सारे ऐड कर लिए। तो मुस्तकबिल की और ये सारी चीज़ें ऐड करने के बाद आपकी प्रोफाइल 100% कंप्लीट हो चुकी है। ये कंप्लीट करने के बाद आपने जॉब को सर्च किस तरह करना है, आपने यहाँ पे मेन में आ जाना है मुस्तकबिल में, और जॉब सीकर पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद, और ये काम आपने रिज्यूम कंप्लीट करने के बाद करना है, जॉब्स पे क्लिक करना है, और ये फिर आपको सेम एक सर्च फील्ड में ले आएगा। यहाँ पे आपने जो आप जॉब टाइटल लिखना चाहते हैं वो लिखें। मैं लिखूंगा वेब डेवलपर। ये जिस तरह हमने रोजी डॉट पी के में सर्च की थी सेम बाकी वही है। यहाँ पे जो टाइटल है वो लिख देंगे और सिटी यहाँ पे स्पेसिफाई कर देंगे। टाइटल और सिटी लिखने के बाद आप इस सर्च बटन पे क्लिक करेंगे या एंटर प्रेस कर देंगे। जैसे ही आप ये करें एंटर प्रेस करेंगे तो नीचे इस कैटेगरी की सारी जॉब्स नीचे लिस्ट हो जाएंगी। उसके बाद जैसे कि आपको याद है कि रोजी डॉट पी के में हमारे पास बहुत ज़्यादा जॉब फिल्टर्स अवेलेबल थे, तो आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास लास्ट में उन्होंने लिखा हुआ है जॉब फिल्टर्स। अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास जो वहाँ पे रोजी डॉट पी के में जो जितने जॉब फिल्टर्स हैं वो सारे यहाँ पे भी हमारे पास अवेलेबल है। हम कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हैं अगर चाहें तो। मैं आपको प्रेफर करूँगा कि आप जब जॉब के लिए सर्च कर रहे हो तो आप सिर्फ़ और सिर्फ जॉब टाइटल लिखते हैं, उसके बाद आप सिर्फ और सिर्फ एक्सपीरियंस को, जो आपका एक्सपीरियंस जिस तरह मैंने उसमें आपको बताया था कि अगर आप ने अभी तक कहीं पे जॉब नहीं की तो आप मैक्सिमम लेस देन 1 ईयर तक जा सकते हैं, और नहीं तो 1 ईयर जितना आपका एक्सपीरियंस है वहाँ तक जा सकते हैं। यहाँ से सिर्फ ये सिलेक्ट कर लें ताकि सही जॉब्स हमारे पास आ जाए, और मैक्सिमम सैलरी हम यहाँ पे लिख देंगे 15,000। ये चीज़ें लिखने के बाद बाकी हमने किसी फील्ड को नहीं छेड़ना। जॉब सर्च करते वक्त आपने सिर्फ और सिर्फ ये तीन चीज़ें ही फिल करनी है। क्या हमने फिल किया है? जॉब टाइटल, जिसकी हमें जो जॉब हमें चाहिए, उसके बाद एक्सपीरियंस, और उसके बाद मैक्सिमम सैलरी। बस उसके अलावा हमने कुछ ऐड नहीं करना। और ये कंट्री हमने ऐड की है कंट्री, और क्योंकि हमने स्पेसिफाई करना है कि हमारे लाहौर की जॉबें हमें मिले, तो यहाँ से पंजाब और सिटी लाहौर। अगर आप ये नहीं सिलेक्ट करना चाहते और रीलोकेशन करना चाहते हैं तो आप इन दो फील्ड को रहने दें और सिर्फ कंट्री सिलेक्ट कर लें और सर्च कर लें। अब ये जो हमारे लिए परफेक्ट जॉब्स थी वो यहाँ पे सारी लिस्ट हो गई। अब यहाँ पे यहाँ इस वेबसाइट पे अप्लाई करने का क्या तरीका है कि आपने पहले हमने अपनी रिज्यूम कंप्लीट कर लिया, अब सिर्फ हम यहाँ से जो हमें जॉब सही लगेगी कि ये जॉब हमारे लिए बेस्ट सुटेड है, हम उस जॉब पे क्लिक करेंगे तो ये हमें इस जॉब पे के पेज पे ले आएगा। और जैसे ही हम अप्लाई के बटन पे क्लिक करेंगे ये इस वेबसाइट में एक, उसके बाद हम जैसे ही अप्लाई के बटन पे क्लिक करेंगे तो ये हमें लास्ट पेज पे ले आएगा। यहाँ पे वो हम जो इस जॉब की रिक्वायरमेंट थी वो हमसे पूछेगा। इस जॉब की एक रिक्वायरमेंट कंपनी ने लिखी हुई है कि ये बी बैचलर कैंडिडेट होना चाहिए। हम और मैं आपको प्रेफर करूँगा जब आप मुस्तकबिल पे जॉब के लिए अप्लाई करते हो, आपको मेन सिर्फ और सिर्फ चीज़ होती है स्किल का आना। अगर आपको स्किल आता है तो आप इन सभी ऑप्शंस पे टिक कर सकते हैं। अगर आपको जो उन्होंने मतलब कि उनकी जॉब थी वेब डेवलपर, और जो उन्होंने स्किल्स कहे थे कि PHP का स्किल आना चाहिए और ये स्किल आना चाहिए, आपको वो सारे स्किल्स आते हैं और आपने वेबसाइट डेवलपमेंट की हुई है, तो आप बस ये सारी टिक कर दें और अप्लाई कर दें। तो इस वीडियो में हमने देखा कि आप mustaqbil.com पे अकाउंट किस तरह बना सकते हैं, उसके बाद अपनी प्रोफाइल को 100% सेटअप किस तरह कर सकते हैं, बाद में प्रोफाइल सेटअप करने के बाद आप जॉब को सर्च किस तरह कर सकते हैं, और जो जॉब आपके लिए बेस्ट सुटेड है उस पर अप्लाई किस तरह कर सकते हैं।
होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो में कोई चीज़ आपको समझ ना आई हो तो काइंडली कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछें, मैं उसका जवाब दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको इस तरह की वीडियोज़ मिलती रहें। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।